नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रेम की रसोई एंड टिप्स एंड व्लॉग में। तो आज हम बनाएंगे मिठाई जैसा गाजर का हलवा। तो ना इसमें मावा, ना ही मिल्क पाउडर, ना ही इसमें मलाई, बस 1 केजी दूध में 4 केजी गाजर का हलवा एकदम मिठाई के जैसा बनके तैयार होगा। तो चलिए इसी के साथ जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कि जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। ये हमने दूध वाले गाजर का हलवा बना के तैयार करेंगे। सिर्फ मावा और गाजर का हलवा बना के हमने वो भी रेसिपी डाले हैं, तो चाहिए तो आप जाके लिंक में देख सकते हैं। तो ये हमने गाजर को बढ़िया से छील के इसको धो लिया है। 2 घंटे के लिए हमने धूप में सुखा दिए हैं। धूप में सुखाने से क्या होता है कि जो इसका पानी है वो अंदर गाजर के सूख जाता है। उसके बाद ये जो पतला वाला है इससे नहीं, मोटा वाला जो है इससे हम इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। धूप में सुखाने से इसका बहुत फायदा होता है कि जो इसका मीठा है वो अंदर इसमें सूख जाता है। पकाने में ये बहुत आसानी होता है। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से घिस लेंगे। देखिए हमने 4 केजी गाजर को घिस के तैयार कर लिए हैं। ये हल्का सा सुखा दिए हैं तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, अंदर इसको सूख गया है पानी। इसी तरीके से आप लोग का पहले सुखा लेना है हल्का, उसके बाद कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद हम कुकर लेंगे, कुकर में सारे गाजर को इस तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद इसमें 250 ग्राम के लगभग दूध डालेंगे। थोड़ा सा इसमें दूध डाल के पकाने से इसका टेस्ट फ्लेवर दोनों बढ़िया आता है। इसके बाद इसको हम सीटी लगा के 1 सीटी आने तक इंतज़ार करेंगे। 1 सीटी आ जाएगा उसके बाद गैस के फ्लेम लो करके लगभग 15 मिनट इसको पकाएंगे। 15 मिनट हो जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे। तो जब तक सीटी लग रहा है दूसरे तरफ हम कढ़ाई बैठाए हैं, उसमें 2 चम्मच के लगभग देसी घी डाले हैं। घी के साथ साथ अब हम इसमें 1 केजी दूध डालेंगे। तो देखिए टोटल हमने 1.25 केजी दूध को इस्तेमाल किए हैं। 4 केजी गाजर में 1.25 केजी दूध हम इस्तेमाल किए हैं। 250 ग्राम हमने गाजर में बॉयल करते समय पे डाला है, 1 केजी अभी हमने डाला है। तो टोटल हमने 1.25 केजी दूध को इस्तेमाल किए हैं। गाजर को टोटल हमने 20 मिनट बॉयल किए हैं। गैस को हमने बंद कर दिए हैं। जब तक कुकर के सीटी फूल रहा है तब तक दूध हमारा बढ़िया से बॉयल हो गया है। 1 केजी दूध 1/2 केजी खोल के हो गया है। अब साथ में हम गाजर को इसमें डाल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया से बॉयल हो गया है। इसी तरीके से बॉयल करके बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है गाजर का हलवा। इसमें दूध बहुत कम लगता है। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखिएगा गाजर का हलवा, एकदम मिठाई की तरह बनके तैयार होगा। गैस के फ्लेम हाई करके इसको तब तक पकाना है कि जब तक हमारा बढ़िया से दूध सूख ना जाए। देखिए थोड़ा सा गाजर इसमें ज़्यादा है तो चलाने में दिक्कत हो रहा है। इसको इस तरीके से आराम आराम से चलाएंगे। तो देखिए हमने गाजर में से सारे दूध को सुखा लिए हैं। अब इसमें थोड़ा भी पानी नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध के मलाई डालेंगे। दूध के मलाई डालेंगे तो और एकदम टेस्टी बनके तैयार होगा। अब साथ में हम इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमी बड़ा करछी से 2 करछी इसमें चीनी डालेंगे। हलवा थोड़ा मीठा रहता है तभी खाने में बढ़िया लगता है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी हम इसमें 100 ग्राम के लगभग डालेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तभी हमारा गाजर का हलवा मिठाई जैसा लगेगा। तो देखिए हमने 100 ग्राम के लगभग देसी घी डाले हैं। आप जब भी बनाइएगा तो थोड़ा सा देसी घी इसमें ज़्यादा डालिएगा। दूध थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन देसी घी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है तभी एकदम मिठाई जैसा बनके तैयार होता है। घी डालने के बाद गैस के फ्लेम हाई करके लगभग 5 से 7 मिनट चलाते हुए बढ़िया से इसको
भूज लेंगे। इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। जितने पानी सूखेगा उतना ही हमारा गाजर का हलवा एकदम टेस्टी बन के तैयार होगा। गाजर के हलवा में 10 से 12 इलायची लेंगे, उसको इस तरीके से कूच के डाल लेंगे। इसका पहले छिलका इस तरीके से हल्का सा कूच के निकाल लेंगे। आप चाहें तो इलायची पाउडर है तो उसको भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। इससे बनाने से घर पे इसका खुशबू और ज़्यादा हो जाता है। छिलका निकालने के बाद दोबारा हम इस तरीके से कूच लेंगे। इलायची पाउडर को कूट के तैयार कर लिया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो अभी बढ़िया से हम गाजर के भूजेंगे, उसके बाद लास्ट में गैस बंद करके डालेंगे। तो ये देखिए बढ़िया से इसका पानी सूख गया है गाजर का। अब इसमें हम इलायची पाउडर को इस तरीके से डाल लेंगे, गैस को हमने बंद कर दिए है। अब इसमें कुछ हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। पहले से हमने काजू को छोटे छोटे शेप में इस तरीके से काट के तैयार किए हैं, साथ में इसको डाल लेंगे। साथ में थोड़ा सा किशमिश डाल लेंगे। तो अपना मन पसंद इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे कि सूखा नारियल है तो उसको भी बारीक बारीक चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए गाजर के हलवा एकदम बढ़िया मिठाई के जैसा बनके तैयार हो गया है। तो गैस को हमने बंद कर दिए हैं। तो आशा करती हूँ कि ये गाजर के हलवा की रेसिपी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो हम दोबारा याद दिला देते हैं कि हमारे चैनल पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।